दोस्तों, इस धरती पर पुरातन काल से ही ऋषि मुनियों, साधु संतों और सन्यासियों का वास रहा है। उन्होंने अपनी जीवन शैली और कृपा दृष्टि से न सिर्फ मनुष्य का अपितु देवताओं का भी उद्धार किया है। बात करें भारत की तो यह अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के लिए आज भी विश्व भर में जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में पुणे में श्री संत तुकाराम मंदिर के उद्घाटन के दौरान कहा था कि भारत की संस्कृति में हमारे साधु संतों का अहम योगदान है, जिसकी वजह से भारत की संस्कृति शाश्वत है। साधु संतों ने ही हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है और आज भी ऐसे कई संत हैं जिनके प्रवचन और प्रेरणा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इनके अनमोल विचार जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाते हैं। मौजूदा समय में भारत के कई ऐसे संत हैं जो वर्ल्ड फेमस मोटिवेटर कहलाते हैं। देश विदेश तक लोग इन्हें सुनते हैं। सोशल मीडिया पर भी इनके खूब फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संत महात्मा के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें लोग साधु महाराज, महान आत्मा, बाबा या अवतारी बाबा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बाबा वो बाबा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 5000 साल से जीवित हैं और आज भी इस धरती पर सहशरीर विचरण करते हैं। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इनके कुछ शिष्य हैं जो इस कलयुग में देश और विदेश में इनके विचार और आदेशों को फैला रहे हैं, जिसके कारण ये धरती और मानव सभ्यता सुचारू रूप से चल रही है। उनके इन शिष्यों में देश विदेश दोनों के लोग शामिल हैं, क्योंकि जो लोग इनको देखे जाने का दावा करते हैं उनका कहना है कि इनके टोली में उनके साथ उन्होंने कुछ विदेशी लोगों को भी देखा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन महा अवतारी बाबा और उनके शिष्यों के बारे में कुछ रहस्यमय जानकारी, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। दोस्तों, आप सभी ने महाअवतारी बाबा के बारे में एक ना एक बार जरूर सुना होगा। इनके बारे में कहा जाता है कि यही वो एक इंसान है जो इस धरती पर होने वाली सभी घटनाओं को एक दिशा निर्देश देते हैं और ये हजारों वर्षों से जीवित हैं और समय समय पर अपने शिष्यों के द्वारा कोई संदेश भेजते रहते हैं। इनके शिष्यों की बात करें तो ये वो लोग हैं जिन्हें आज ये पूरी दुनिया जानती है और इन लोगों ने भी महाअवतारी बाबा से मिलने और इनके दर्शन करने की बात भी कही है। कहा जाता है जो लोग अध्यात्म की खोज में होते हैं या इस दीन दुनिया से परे होकर सत्य की खोज में निकल जाते हैं, वे लोग खुद ही अवतारी बाबा के संपर्क में आ जाते हैं और उनके साक्षात दर्शन भी पा लेते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने इस कलयुग में बाबा के दर्शन किए हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों के बारे में जो कभी ऐसो आराम की जिंदगी जिया करते थे, लेकिन आज बाबा के दर्शन के बाद उनका जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। दोस्तों, हम यहाँ बाबा के जिस शिष्य की बात कर रहे हैं वो रूस का एक अमीर घर का लड़का है जो अपनी शान और शौकत वाली लग्जीरियस लाइफ स्टाइल छोड़ देता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको भारत के एक महान योगी से मिलना है जो कि पिछले कई हजार सालों से हिमालय की बर्फीली चोटियों पर वास करते हैं। दोस्तों, ये है इमराम गिरी, जो कि इनका सनातन धर्म अपनाने से पहले का नाम था, लेकिन अब इनको स्वामी गौतम ऋषि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये रशिया का वो हिंदू सन्यासी है जो अब तक लाखों लोगों को सनातन धर्म की राह दिखा चुका है और इनका अब एकमात्र उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत के महान अवतारी बाबा जी के ज्ञान से सनातन धर्म के बारे में बताना। लेकिन दोस्तों, इनके सनातन धर्म में आने तक की जो कहानी है वो काफी हैरान कर देने वाली है। इन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया है कि हमारे सनातन धर्म में आज भी इस कलयुग में ऐसी महान आत्माएं हैं जो सैकड़ों वर्षों से जीवित है, जो हिमालय की कुछ गुप्त गुफाओं में रहते हैं और इनका दर्शन केवल एक सच्चा और सिद्ध सन्यासी आत्मा ही कर सकता है। दोस्तों, इन्होंने अब तक अपनी आध्यात्म की शक्ति से रशिया के कई लाख लोगों को भगवान शिव और अवतारी बाबा के बारे में बताया है और सनातन धर्म की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया है। आइए अब जानते हैं कि ये कैसे और कब महाअवतारी बाबा से मिले। लेकिन ये सब जानने से पहले हम आपको उस महान महाअवतारी बाबा के बारे में बताते हैं जो हजारों वर्षों से इस धरती पर जीवित है, जिनका संबंध संत कबीर, अच्युतानंद दास, लाहाड़ी बाबा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान से बताया जाता है। दोस्तों, महाअवतार बाबा एक भारतीय संत हैं जिन्हें लोग डेथलेस गुरु, महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी त्रियंबकम बाबा, शिव बाबा, बाबा गरीबनाथ जी और बाबा जी के नाम से जानते हैं।
उनकी उम्र 2000 साल से ज्यादा है, लेकिन लगते हैं 18 से भी कम के। ये सदियों से संतों को राह दिखाते आ रहे हैं। योगियों के मार्गदर्शक दुनिया की चकाचौंध से दूर हिमालय पर अपने भक्तों और मानवता के कल्याण में लीन हैं। इंटरनेट पर इनके बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। वह अमर हैं, वह महाअवतार बाबा हैं। सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले परमहंस योगानंद ने अपनी किताब योगी कथा अमृत में बाबा जी के बारे में बताया। योगानंद जी ने लिखा है, इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी योजनाओं में चकाचौंध के लिए कोई जगह नहीं। बाबा जी एक अवतार हैं, वह परामुक्त अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु छू तक नहीं सकती। महावतार बाबा जी के बारे में परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य और कबीर को भी इन्होंने ही दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय के अनुसार बाबा जी के शिष्यों की एक मंडली है जो उनके साथ ही रहती है। महावतार बाबा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बस सच्चे मन से याद करने वाले की कभी न कभी वह सुनते ही हैं। आज भी लोग उनके रहस्यमय जीवन और उनकी खोज में हिमालय पर जाते रहते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत भी महावतार बाबा के दर्शन कर चुके हैं, जिसके बाद बाबा जी पर आधारित उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है। सुपरस्टार रजनीकांत जब महावतार बाबा जी की गुफा में ध्यान करने पहुंचे तो बाबा जी की चर्चा ने जोर पकड़ा। दोस्तों, हिमालय पर रहने वाले महावतार बाबा जी के दर्शन आज तक सिर्फ गिने चुने लोगों को ही हुए हैं, और ऐसे लोगों का यह कहना है कि बाबा जी आज भी हिमालय की गुफा में ध्यान मग्न है। अपने ध्यान में रहने के दौरान बाबा जी संपूर्ण संसार का विचरण कर लेते हैं। उनके पास ध्यान की अलौकिक अवस्था है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी हिमालय की प्राचीन गुफाओं में अध्यात्म के दौरान महावतार बाबा के दर्शन किए हैं, और उनकी उन्नति का रास्ता भी सीधा महावतार बाबा जी से ही होकर जाता है। ऐसे ही अनेक लोग हैं जिन्होंने बाबा जी के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाया है। दोस्तों, अब बात करें इमराम गिरी की, तो इमराम गिरी का जन्म रसिया के एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी जवानी में ही सभी धर्मों के बारे में जानना शुरू कर दिया था, पर इन सभी धर्मों में इनको सनातन धर्म ने ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसके बाद सनातन धर्म के बारे में और अधिक जानने के लिए ये भारत आए, और यहाँ आकर इन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया, जिससे इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद ये हिमालय के कई पर्वतों पर भारत के महान संतों और योगियों से क्रिया योग की शिक्षा ग्रहण करते रहे। इसके बाद इन्होंने महावतार बाबा और लाहिड़ी बाबा की क्रिया योग की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। इसके बाद ये हिमालय और रशिया के पवित्र पहाड़ों में क्रिया योग की साधना में लीन रहे। इसके बाद 2002 में रशिया के एक पर्वत पर तपस्या करते हुए इनके साथ एक अलौकिक घटना हुई, जिसका इंतजार ये कई वर्षों से कर रहे थे। दरअसल यहाँ तपस्या करते हुए इन्हें यहाँ भारत के दो योगियों के दर्शन हुए, जिनमें से एक थे श्री अरविंदो घोष और दूसरे थे स्वयं महावतारी बाबा जी। दोस्तों, इस घटना के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब पर भी बताई है। इसमें उन्होंने बताया कि जब मैं क्रिया योग की गहरी साधना में था तो पहले मुझे श्री अरविंदो घोष के दर्शन हुए, फिर उन्होंने मुझे महावतारी बाबा जी के दर्शन कराए, जो कि एक तेज रोशनी के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। उनके इस रूप को देखकर मेरी आत्मा शांत और पवित्र हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी में ही ये पूरा ब्रह्मांड समाया है। वो एक ऐसा पल था जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। दर्शन होने के बाद बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और जब मैं उनके पैर छूने नीचे झुका तो वे अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने इस घटना के बाद दो बार और बाबा जी के दर्शन करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि बाबा जी ने इनको एक बार एक महिला के रूप में भी दर्शन दिए हैं। कहा जाता है कि जो भी बाबा के सच्चे मन से दर्शन करने की अभिलाषा करता है, बाबा उसको कभी भी और किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी महावतारी बाबा और उनके कुछ शिष्यों की कहानी, जो आज सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली वीडियो में हम महावतारी बाबा से रिलेटेड कुछ और जानकारियां आपके सामने लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारियां यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।